भाई ये मंदिर लग रहा है यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं वो होना है क्या ऑटो शो नहीं हो साले ऑटो शो फिर क्या होना है आपको ऑटो शो नहीं होना यहाँ पे क्या कहते हैं वो हमारी रस्मात होनी है शादी की रस्मात फेरे लिए जाने हैं फेरे लिए जाने तो भाई मंदिर ही हो गया ना उनका भाई आपका अकाउंट वायरल हुआ है टिकटॉक का अकाउंट वायरल हुआ है क्या नाम है बता दो वायरल हो जाओगे यार मैंने वैसे बोला है आप समझा करो शुगर लगाने के लिए ये देखो भाई बच्चे देखो ये ड्यूरिंग सम चॉइस और मार्किंग है काई काई साइन के साथ भाई अलार्म की घंटी क्योंकि एक टाइम होता था हम भी जिम जाते थे लेकिन आजकल तो हमारा पेट जो है डिस्टर्ब हुआ है तो जा नहीं पा रहे नहीं ये रमज़ान की वजह से ना हमने स्किप किया था तो इंशाल्लाह आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो जो भी तो नहीं जाएगा मुझे उम्मीद नहीं लगती है जाएगा ये देखिए पीछे एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग ये जिम का एरिया बनाया हुआ है ये मेरी बैक साइड पे वो अंकल जो से तकरीबन की उम्र होगी 70+ तो फिर भी ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई बाजू ही निकल जाए इनकी देखिए आराम से जो भी ये पुशअप लगा के दिखाए इनको किस तरह का करेक्ट तरीका किस तरह का किस तरह पुशअप लगाते हैं हमारी जो ड्रेसिंग है ना वो इस काबिल नहीं है इससे पहले हम फटे कपड़ों के साथ घर जाएं नहीं नहीं फिर भी लगा के दिखा दो ना करेक्ट तरीका पता चल जाए वो भाई मेरे पीछे देखें वो पुशअप लगा रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं ये भाई जानबूझ के पीछे आ रहे मेरे भैया मेरे चैनल में ना हो हाँ बता रहा हूँ बिना कहना वायरल हो गए हो फ्रंट का नहीं कैमरा सही लग रहा है की लाइफ इस तरह की होती है जुबैर बताओ आप जुबैर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है लेकिन फिर भी मैं टिकटॉक इतनी अच्छी बनाता हूँ हाँ। तो जो से एक कासा मैं आपको दिखाया था जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी अब उसकी शादी पे गए थे भाई अगर उसने देख लिया ना तो उसे पूछ लेगा खुद ही ये पीछे देखें कपल बैठा इधर जो से ना दिन के टाइम काफ़ी कपल जाते हैं आज तो फ्राइडे था लोग चले गए घरों को इसके क्योंकि पास में मैड निक्का मंदिर आ रहे क्योंकि इसके पास में जो सा है ना वो हॉस्टल्स लगते हैं यूनिवर्सिटी के जो से लड़कियां लड़के हैं वो इधर आके घूमते फिरते हैं तो जूबी वगैरह बेचारा आके जूबी बेचारा आके देखता है इधर देखता है और दुआएं करता है इसके आगे ये क्या चीज़ है ये दूसरा मंदिर है निक्का मंदिर तो बस आप अल्लाह के नाम पुकारो कमाली का कमेटी ओ भाई काफी की ओ भाई इधर रखे हैं ना तेरी वीडियो में शूट करता हूँ देखो ये नहीं यार भाई ये मंदिर नहीं है ये वैसे बनाया है इधर हिस्ट्री भी लिखी हुई है तो भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के बताओ दूसरी साइड पे लिखी है ये क्या चीज़ है भाई इंग्लिश में लिखी है इतनी ज़्यादा भाई आपकी इंग्लिश वैसे बहुत हाई है तो बताओ भाई लोगों को ये है लालपुर मोनूमेंट मोनूमेंट अच्छा ये किसने बनाया था मिस्टर तारिक खान नियाज़ी ने कहते हैं ना जैसे फैसलाबाद का गुमटी मशहूर है ना इस तरह ये भी जब बागेजनाह की गुमटी बनाई हुई है जेम्स ब्रॉडबैंड ये कौन थे अब सर जेम्स ब्रॉडबैंड ये फैसलाबाद के दादा फैसलाबाद के दादा हुए ये 1838 में पैदा हुए थे तो अच्छा। ये उन्होंने क्या कहते हैं जी एस्टेब्लिश किया है और ये फर्स्ट कॉलेज की लिखा हुआ है भाई आपकी इंग्लिश बहुत आई है आप यार इंग्लिश नहीं ये बहुत वो क्या कहते हैं उसमें लिखा हुआ है बारीक सा लिखा हुआ है पीछे जो सा ना वो आपने दिखाया ही नहीं उन्हें वो देखे कितना प्यारा व्यू आ रहा है वो देखे वाटरफॉल बनाई हुई है अपनी तरफ से उन्होंने तो हाँ किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती तो ये दूसरी साइड पे ना ये पसंद पार्कों में ऐसी ही लोकेशन रखी हुई है ये बैक साइड पे ना जो सा ये चनाब क्लब है फैसलाबाद का चनाब क्लब ये बैक साइड उसकी लग रही है तो आपको पता है उसके काफी बहुत लोग जानते हैं पार्टी हो रही है इधर आउटफिटर के बॉयज के लिए तो मेरी है कोई बजन टूट गया भैया आपका तो नहीं पता लेकिन हमारे स्टाफ की यहाँ पे पार्टी है कल या आज में तो भाई नमाज का टाइम हो गया हमें चाहिए अब चलें और नमाज अदा करें काफ़ी व्यूवर्स को दिखा दिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इधर से चलते हैं आज चलो वाटरफॉल बाद में दिखा देंगे उनको पता ही है किस तरह की होती है तो ये जो से छुप छुप के जुबी ये लोग बैठते हैं यार कैसा फील होता है आपको मेरी टिकटॉक तो दिखा दो ये देखिए जुबी की टिकटॉक ये देखें ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए नजर ही नहीं आ रहा भाई तेरा रिजल्ट गंदा है वो नहीं वो ब्राइटनेस ज्यादा आ रही वो दे भाई ने कैटो भी रखी हुई है वो कपल्स ने कैटो रखी हुई है वो दे ओ वो कैसा लेटा हुआ होश पकड़
कुत्ता वाले नहीं नहीं होश पकड़ होश पकड़ भाई, आजकल का जमाना नहीं ऐसे लेटने का। ये स्केटिंग का एरिया बनाया हुआ है इधर जोन से है ना, वो लंडे से जूते लेके एक मरतबा तुम्हारी टांगे खुलगी ना फिर समझ लेना तुम चीर पार हो जाओ भाई। ये लंडे से बोर्ड लेके ना वो जोगिंग वो सॉरी टायरों वाले, तो वो लोग इधर आ जाते हैं आपको दिखाते हैं वो लड़कियां भी स्केटिंग कर रही हैं। ये देखे जुबी कभी आमने चलाए इस तरह ये टायर पहन के ये टायर वाले शूज पहन के मुद्दे ओ आधे 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 पे आ पिटाका ओ पे आ हो गया आ गया बात ओ भाई कोई हया कर लो ना इतने डगूंगे आधे 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 फास्ट एंड फ्यूरियस 3 ओ रॉक स्टार ओ ओ बच गए कांदना बच गए बच्चे चला के चलिए ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਯੂਕੇ ਲਈਏ ਯੂਕੇ ਅੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇਹ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾਦਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੂ ਜਾ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਸਰਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ये है बागी जना का कैफेटेरिया, हमने खरीदना कुछ भी नहीं है यहाँ से, 786 के नाम से है वो एडवर्टाइजमेंट, जो चीज़ें भी काफ़ी महंगी होती है उस खाना नहीं कुछ हमने कुछ नहीं लेना यहाँ से, यार का मुंह भी चोने लग जाता है मम्मा मेरा की देखो सोंदा कुछ कौन आइसक्रीम नहीं नहीं मजाक लगे हैं। ये है कैफेटेरिया, इसका कैफेटेरिया देखी हो चलना से कैफेटेरिया नाना, इसमें बर्गर मच्छी पकौड़े पकौड़े दाल चावल मरूंडे मरूंडे गोलगप्पे आप जो चाहें वहां से हासिल कर सकते हैं जहां लगे वहां से हासिल ही हासिल हो। लेकिन पास आके देखेंगे आपको ये भी वाटरफॉल है, इसके दूसरी वाटरफॉल है, इसके पास भी जाएंगे तो मोबाइल पे पानी पड़ेगा। यहां से ठंडा खाने शुरू हो रही है, ठंडा ठंडा माहौल है, जिंदगी से गर्म गर्म चोल है, जिसने इसका मज़ा नहीं चखा वो चख सकता आगे। ये मेरे सामने टिकटॉक स्टार मौजूद है कुछ और ये वीडियोग्राफर मौजूद है, जुबिन आएगा जुबिन, एक मराठ वाला सीन लग रहा है ना जैसे तो मराठ वाला सीन मराठ ना बोल रहा है चल आजा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हो गई थी इधर, तो जाते हुए वक्त भाई टाइम लग जाना था तो नमाज़ गुजर जानी थी, कज़ा करनी पड़नी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ हमने अदा कर ली है। तो ये विस्टिक जोन से मेरे पास आज टिकटॉकर मौजूद है, इसका कुछ कहना है कि यहाँ से ना बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक जिस तरह पास पास गाँव है उधर के लोग, इसने देसी टाइप लोग ज़्यादा देखे हैं इधर। जुबी साहब बताइएगा किस तरह के लोग थे यहाँ पे, हैं लोकल एरिया से काफ़ी लोग आए हुए हैं फैमिलीज के साथ आए हुए, ये रांझे भी कुछ बैठे हैं अकेले, शायद कोई दाल लग ही जाए नहीं नहीं अच्छा अच्छे ये ना ये जो सा बागे जना है ना करने आए हैं ये लोग, ये बागे जना है जो सा आए हैं, ये बागे जना जो सा है ना ये काफ़ी बड़ा पाकिस्तान फैसलाबाद का ग्राउंड है, पाकिस्तान का सॉरी कहने लगा था, ये फैसलाबाद का ना काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, इसके एक्चुअली 3 से 4 दरवाजे लगते हैं ठीक है, तो ये चारों साइडों से कवर करता है, तो ये ग्राउंड के साथ भोरों वाले ग्राउंड भी मौजूद है और एक साइड पर इसके ये बागे जना है, तो ये बागे जना इसका तकरीबन रकबा कितना होगा अजबी ये बताइएगा, पता नहीं यार बहुत यार ये मेरे हिसाब से भी अंदाज़ा नहीं है मुझे, तो रकबा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है कह सकते हैं कि मतलब आप अगर अकेले हो तो 2 चक्कर नहीं लगा सकते इसके, इतना बड़ा है, तो इस वजह से हमने भी आपको पूरा नहीं दिखाया, अंधेरा हो गया था तो लेट आए थे,
तो इस वजह से अब हम वापस जा रहे हैं और आपको इसी वीडियो के साथ इख्तिताम पज़ीर करते हैं। आपका होस्ट मैं जा रहा है, दुआ कीजिएगा कि भाई की इस वीडियो को जो सी ये वीडियो बनाई है आपके लिए इतनी मेहनत और काविशों के साथ ये एक वायरल हो जाए और ये जुबिस्टिक का जो सा अकाउंट है वो एक दिन में मिलियन किलियन को टच कर जाए और सहर मिर्जा जो सी है वो छोटे स्टार है। छोटे स्टार अरूज फातिमा है? नहीं नहीं अच्छा जो सी भी है जो हम खुद बोल रहे हैं अरिका हक जो सी ना वो भाई को पर्सनल मैसेज करे कि आप मेरे साथ वीडियो बनाना पसंद करेंगे। ओह माय गॉड, आई एम नॉट फ्री। हाँ ओके, इसी वीडियो के साथ हम जा रहे हैं और दोबारा अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।